गुरुदेव अंतरजाल क्लास को आपको सुस्वागत। मैं निरंजन, आज आठवीं कक्षा का सातवां पाठ समाचार पत्र की आत्मकथा। पिछले कक्षा में इस पाठ का उद्देश्य और इस पाठ का तीन गद्य भाग में हमें चर्चा कर दिया। अब इस पाठ का अगला विचार हम देखेंगे। समाचार पत्र अनेक भाषा में प्रकट हो रहे हैं। भारत में भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ। भारत में पहला पत्रिका अंग्रेजी का बंगाल गजट, बंगाल से द्वारा वो प्रकट हो रहे हैं, वो प्रकट था 1780 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में उदंत मातारण, हिंदी में उदंत मातारण, इसका प्रकाशक है जुगल किशोर। कब हुआ? 1826 में उदंत मार्तंड प्रकट हुआ। और कन्नड़ में मंगलूर समाचार कब? 1840 में प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में प्रकाशित होता रहता हूँ। अब वर्तमान युग में मैं मतलब समाचार पत्र अनेक भाषा में या हजारों की संख्या में, द मोर देन 1000 न्यूज़पेपर कैन सी इन इंडिया, अनेक भाषा में। उसमें उदाहरण नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाल, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। ये सभी विचार अलग अलग भाषा में, हर एक राज्य में अनेक विचार लेकर आ रहे हैं समाचार पत्र। कन्नड़ में अनेक है, प्रजावाणी, उदयवाणी, इस तरह दूसरा राज्य में भी उस राज्य का समाचार पत्र या समाचार लेकर हर घर में या हर सुबह हमें मिलते हैं समाचार पत्र। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। समाचार पत्र कई प्रकार से द्वारा आते हैं। दैनिक मतलब डेली, साप्ताहिक मतलब वीकली वन, पाक्षिक मतलब 15 डेज वन, मासिक मतलब मंथली वन, त्रैमासिक मतलब 3 मंथ, अर्धवार्षिक ऑफ ईयर, पाक्षिक वार्षिक ईयर वन ईयर। तो उसमें क्या मिलते हैं? विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। समाचार पत्र केवल समाचार लेकर नहीं आता है, उसमें विदह विभाग द्वारा तय है। तो उदाहरण सामाजिक, उदाहरण सामाजिक सोशल, ओके, धार्मिक रिलीजियन, साहित्यिक लिटरेचर, आर्थिक इकोनॉमिक, सांस्कृतिक कल्चरल, मनोरंजक एंटरटेनमेंट, ये सभी राजकीय, कार्टून, खेलकूद आदि विभाग में हम देख सकते हैं। मुझमें देश विदेशों में घटने वाले घटनाओं का विवरण रहता है। क्या रहता है? देश विदेशों में क्या हुआ, क्या चल रहे हैं, विज्ञान के बारे में या तांत्रिक के बारे में, राजकीय के बारे में या हवामान या वातावरण के बारे में समाचार पत्र में विषय प्रकट करते हैं। और मुझमें खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी, विज्ञापना, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है। ये विचार क्या है? खेलकूद अबाउट स्पोर्ट्स, सिनेमा एंटरटेनमेंट, सिनेमा मूवी न्यूज, मौसम एनवायरनमेंट, नौकरी संबंधी और रिक्रूटमेंट, बाजार भाव मतलब वो व्यापार करने वाला चीजों का संबंध, और कृषि संबंध एग्रीकल्चर, ये सभी, और व्यापार संबंधी
बिजनेस कार्टून पदबंध विवाह संबंधी विज्ञापना। हाँ, बच्चों के लिए कार्टून या पदबंध और विवाह संबंधों के बारे में भी यह विषय लेकर आते हैं या परीक्षा उपयोगी सामग्री। ओके, और परीक्षा फल द रिजल्ट ऑफ एग्जाम्स आदि भी मुझसे जान सकते हैं। तो अनेक विचार लेकर आते हैं समाचार पत्र। आप भी, मैं कहना तो आप भी एक बार ये रिश्ता बन गए तो समाचार पत्र और हमारा रिश्ता बन गए तो हम भी नहीं रहता। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होते हैं। अब क्या हो रहे हैं, बड़े बड़े लेखकों द फेमस लिटरेचर वर्क ऑल्सो पब्लिशिंग हियर। विशेषांकों में जीवनी द लाइफ स्टोरीज, कविता पोएम, एकांकी ड्रामा, नाटक ड्रामा, कहानी स्टोरीज, आलोचना थॉट्स, स्वास्थ्य आरोग्य या हेल्थ टिप्स, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। किसानों के लिए कृषि पद्धतियों के बारे में विचार लेकर आते हैं समाचार पत्र द्वारा। इन सबके अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दें तो आवश्यक विषयों की कतरने में अपने पास रखते हैं। लोग वैज्ञानिक संबंध, विज्ञान के संबंध विचारों को यहाँ लेकर आते हैं। तब लोग क्या कर सकते हैं, इस विचारों को काट कर दे आर गोइंग टू कटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस टेक्नोलॉजी दे आर होल्डिंग दोस। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूं। आई एम वन ऑफ द वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन न्यूज पेपर एंड एज वेल एज द ह्यूमन बींग। व्यक्ति के लिए वन ऑफ द पार्ट ऑफ अवर लाइफ। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगे तो आगे चलकर जीवन में आपके बहुत सहायता करूंगा। हम एक बार यह रिश्ता बन गए तो हम नहीं छोड़ते हैं। हम बहुत, हमें बहुत लाभ भी होते हैं। हम हमारा एकता से या दृढ़ता, एकाग्रता या पढ़ने का क्रम भी हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। वी आर नॉट ब्रेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूज पेपर एंड आवर्स। वंस वी मेड द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूज पेपर वी आर नेवर ड्रॉप ऑन दिस। चलिए आज से यह आदत डाल दीजिए। ओके नाउ आप भी शुरू कीजिए। कम समाचार पत्र पढ़ने का अभ्यास नहीं है, अभी भी शुरू कीजिए। यह अच्छा अभ्यास होता है या अच्छा आदमी निर्माण होते हैं भविष्य के लिए, क्योंकि आप भी अनेक विचार को पाते हैं या आपका ज्ञान भी बढ़ते हैं। किससे, समाचार पत्र से द्वारा। कई साधना है, रेडियो है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, वो ये सभी खर्च वाला है। तो समाचार पत्र क्या है, बहुत मितवी है, कम खर्च वाला और वेरी चीप एंड बेस्ट एंड वी आर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन। बहुत मितवी है, विचार ज्यादा है। तो इसलिए आप भी वो पढ़ने का क्रम या पढ़ने का अभ्यास आपका जीवन में या आपका जीवन में यह संबंध करना है। तो ये रिश्ता है ना, आप जीवन में कभी भी नहीं टूटेगा नहीं होता है, क्योंकि ये संबंध समाचार पत्र अलग अलग रूप में रंग बिरंगी आ रहे हैं। आप भी
आपके जीवन में यह अभ्यास करना चाहिए बच्चों। यह मूल उद्देश्य है। क्या है? समाचार पत्र पढ़ने का अभ्यास आपका जीवन में भी रहना, क्योंकि आप एक बार ये रिश्ता बन गए तो उस हर सुबह या हर शाम आपका समय में आप समाचार पत्र पढ़िए। ये सभी विचार मिलते हैं। क्या है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, साहित्यिक, मनोरंजन, ओके, विवाह विज्ञापन, वैज्ञानिक, नौकरी संबंधी, ये सभी विचार को हमें बहुत कम खर्च से, बहुत मितव्ययी से आपके घर पहुंच रहे हैं समाचार पत्र। और अलग अलग नाम से द्वारा, कन्नड़ में अनेक है, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, तेलुगु में है, तमिल में है, कई भाषा में, आप भी लेकर आप भी यह अभ्यास कीजिए, आपका ज्ञान आगे बढ़िए। सो यह मेरा विचार है और यह पाठ का उद्देश्य भी है। बच्चों, मैं इस अवधि को समाप्त करता हूँ। आपको इस पाठ से कोई संदेह है तो प्रश्न पूछिए इंटरैक्शन क्लास में। पाठ का मूल तत्व है या मूल उद्देश्य है समाचार पत्र पढ़ने का अभ्यास भी रखना और इसका महत्व भी पाना चाहिए। सो यह विचार आपका जीवन में रिश्ता बनेगा या रिश्ता होना चाहिए। तो हम अगला कक्षा में मिलेंगे। कोई संदेह है तो प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर बिल्कुल बताता हूँ आपको। धन्यवाद।